नमस्कार साथियों, समय था 7 अक्टूबर 2023 सुबह का, जब गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल की धरती पर हजारों रॉकेट दाग दिए और साथ ही सैकड़ों उग्रवादी इजराइल व गाजा पट्टी के बीच के बॉर्डर को पार कर इजराइल की धरती पर आ गए ताकि सीमा पर स्थित इजराइलियों पर हमला किया जा सके। साथियों, हमास के रॉकेटों की गति इतनी तेज थी कि कुछ रॉकेट प्रसिद्ध आयरन डोम को भेदने में सफल रहे। साथियों, आइए संघर्ष के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। साथियों, संघर्ष की उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी के प्रारंभ में होती है, जिस समय फिलिस्तीन में यहूदियों का आप्रवासन बढ़ गया, जिससे यहूदी व अरब आबादी के बीच तनाव पैदा हो गया। फिर 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध अपने दौर में था, तब ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के आवास के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया व बालफोर घोषणा जारी की। अगले हिंसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1947 में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना प्रस्तावित की जो फिलिस्तीन को यहूदी व अरब राज्यों में विभाजित करती थी और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में स्थापित करती थी। इस योजना को यहूदी लोगों के द्वारा तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अरब नेताओं के द्वारा नहीं। देखते देखते वर्ष 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ युद्ध शुरू हो गए व हजारों फलस्तीनियों के विस्थापन के साथ भविष्य में तनाव की नींव पड़ गई। वैसे बात करें अगर हमास के उदय की, तो यह वर्ष 1980 के दशक के अंत में फला फूला, जब पहला फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क उठा था। इजराइल शुरू में हमास को बर्दाश्त करता गया और धीरे धीरे हमास का प्रभाव बढ़ता गया। दूसरा फलस्तीनी विद्रोह जब हुआ, जब 1990 के दशक की शुरुआत में ओस्लो समझौते के कारण फलस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना हुई, वह वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से इजराइल की आंशिक वापसी हुई। वर्ष 2006 में हमास ने फलस्तीनी विधायी चुनाव जीता, जिसके कारण फतेह प्रभुत्व वाले पीए के साथ तनाव पैदा हो गया, जिसके चलते वर्ष 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर जबरन कब्जा कर लिया, परंतु फतेह द्वारा वेस्ट बैंक पर कब्जा बरकरार रखा गया। इजराइल ने हथियारों की तस्करी व हमलों को रोकने के लिए गाजा पर नाकाबंदी कस दी, जिसके चलते गाजा के लोगों को मानवीय चिंताओं व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथियों, इजराइल व हमास के बीच ऑपरेशन कास्ट लीड, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज जैसे कई बड़े संघर्ष हुए। जाहिर है कि इन संघर्षों के चलते दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। वर्ष 2021 में यरूशलेम में इजरायली नीतियों के चलते शेख जर्राह की फिलिस्तीनी परिवारों की योजनाबद्ध बेदखली और अल अक्सा मस्जिद परिसर तक पहुंच का प्रतिबंध लग गया। हमास ने यरूशलेम व कुछ अन्य इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे। उसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले किए, जिसमें 250 से अधिक फलस्तीनी व 12 इजरायली मारे गए। उस समय अमेरिका व अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के समर्थन से मिस्र द्वारा युद्ध विराम कराया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया, जिसमें उसने हजारों की संख्या में रॉकेट दागे और सशस्त्र आतंकवादियों के साथ उसकी सीमा में घुसपैठ की, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले कर उसका जवाब दिया। लड़ाई के चलते दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। साथियों, हालिया हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ को माना जा रहा है, जो कि वर्ष 2002 से हमास की मिलिट्री विंग के कमांडर के पद पर रहा है। द गेस्ट उपनाम से कुख्यात दाइफ का जन्म गाजा के शरणार्थी शिविर में हुआ था। कहा जाता है कि दाइफ की हत्या की कोशिश 7 बार हो चुकी है, जिसमें वह अपनी एक आँख, एक हाथ, एक पैर गंवा चुका है।